हाँ बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आप देख रहे थे हम आपके साथ, हमने लास्ट वीडियो में ईथर जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। तो आज मैं आपको ईथर के IUPAC नाम लिखने का तरीका बताने वाला हूँ बच्चों। तो हम जल्दी से चलते हैं ईथर के IUPAC नामकरण पर। बच्चों, जब हमको ईथर के IUPAC नाम लिखने होते हैं तो हमको क्या करना होता है, देखिए बहुत अच्छे से। मैं बहुत ज्यादा रूल्स को लिखने की बजाय मैं रूल्स को आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ना। आप लोग मुझे फॉलो करिएगा, आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बच्चों मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मेरा पहला एग्जाम्पल है, देखिए मैंने ले लिया CH3O और CH3। बच्चों ये जो ईथर मैंने लिया है ये एक तरह का सिमेट्रिकल ईथर है, सममित ईथर है ना। इसमें एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों पक्ष कैसे हैं, एक जैसे हैं। बच्चों मैं एक दूसरा एग्जांपल भी आपके सामने लेता हूं, दूसरे एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल नंबर 2, वो मैंने ले लिया CH3O और CH2CH3। तो बच्चों ये मैंने दो तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए हैं। बच्चों मेरे पहले एग्जाम्पल को जब आप देखेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल ईथर के लिए है, जबकि जो दूसरा एग्जाम्पल ये अनसिमेट्रिकल असममित ईथर के लिए है। तो दोनों ही कंपाउंड में हम आयुपिक नॉर्मल केचर को करने का तरीका देखेंगे। तो बच्चों अगर मैं आपको अनसिमेट्रिकल में डिफाइन कर दूं तो वो एसिटीज आप सिमेट्रिकल में अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैं अनसिमेट्रिकल को यूज करूंगा। बच्चों ध्यान दीजिए, ईथर में ये जो ऑक्सीजन देख पा रहे हो आप, ये उसका कहलाता है क्रियात्मक समूह। क्या कहलाएगा इसको, हम बोलेंगे उसका क्रियात्मक समूह, है ना, अभिलाक्षणिक समूह कहलाता है ये यौगिक का, या आप ऐसा कहते हैं फंक्शनल ग्रुप है ये। और ये दोनों पार्ट जो कार्बन श्रृंखला के साथ आप देख पा रहे हो बच्चों, ये कहलाता है एल्किल मूलक। ठीक है, ये उसका एल्किल मूलक है, यही एल्किल मूलक समूह कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए दो जो एल्किल मूलक हैं, देखिए वो दोनों भिन्न भिन्न हैं, और इसलिए ये पहचान है कि ये जो ईथर है ना, ये ईथर कैसा है, ये एक तरह का मिश्रित ईथर है। ये एक तरह का कैसा ईथर है बच्चों, ये मिश्रित ईथर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन पर कि हमको करना क्या होता है जबकि हमको ईथर के IUPAC नॉमनक्लेचर करने होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका क्रियात्मक समूह है उस क्रियात्मक समूह से जो दो एल्किल मूलक जुड़े हुए हैं उन एल्किल मूलकों में से कौन सा मूलक छोटा है। जो मूलक छोटा होगा उसको आप ऑक्सीजन के साथ संयुक्त मानेंगे इस तरह से। ठीक है, और एल्किल मूलक के लिए जो शब्दावली आप लेते हैं, जैसा कि नंबर ऑफ कार्बन यहां पर कितने हैं इसके पास, एक है, तो एक कार्बन से आप क्या बनाते हैं, एक कार्बन से हम बनाते हैं मेथ। बच्चों बिकॉज ऑफ हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा ईथर, और मैं आपको बता दूं कि ईथर के IUPAC नॉमनक्लेचर में ईथर का जो अनुलग्न है ना, तो ईथर का अनुलग्न क्या होता है, वो होता ऑक्सी। ठीक है, तो छोटे एल्किल मूलक के साथ आप इस ऑक्सीजन को संयुक्त करने के लिए आप इस मेथ के साथ क्या जोड़ देंगे बच्चों, आप इसके साथ जोड़ देंगे ऑक्सी। इस तरह से मेथ प्लस ऑक्सी मिलकर ये बना देगा मिथॉक्सी। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने किसका चयन किया, हमने मिथॉक्सी का चयन किया, यानी ये जो समूह हमने चुन लिया ये मिथॉक्सी है। ठीक है, अब शेष कार्बन की जो श्रृंखला है ना, उस कार्बन की श्रृंखला को चुन लीजिए। बच्चों ये वाला बाकी का पार्ट आप देख पा रहे हो, इस बाकी के समूह में अब आप देख लीजिए कि मिथॉक्सी जिस कार्बन पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 बोल दीजिए, उसके बाद वाले को 2 बोल दीजिए। ठीक है, तो मिथॉक्सी का नंबर आपके सामने आ जाएगा कि मिथॉक्सी किस नंबर पर एसोसिएटेड है, एक नंबर पर जुड़ा हुआ, तो 1 मिथॉक्सी। अब ये जो आपने शेष श्रृंखला चुनी ये कहलाएगी आपकी मुख्य
श्रृंखला, ये हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? मुख्य श्रृंखला कहलाएगी। मुख्य श्रृंखला में कुल कार्बन की संख्या दो है और दो होने की वजह से हम इसका नाम लिखेंगे एथेन, ठीक है। तो ये हमारे कंपाउंड का नाम हो जाएगा वन मिथॉक्सी एथेन। यहां पर थोड़ा बहुत ज्यादा हॉजपॉज दिख रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी आपके सामने लेता हूं ताकि आप इसको और अच्छे से क्लियर कर पाए। अगला एग्जांपल आपके साथ ले रहा हूं, मेरा अगला जो एग्जांपल है वो देखिए, मैंने ले लिया CH3OCH और नीचे CH3 और इसके साथ एक और CH3 है, ठीक है। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जो दो एल्किल मूलक जुड़े हैं तो उनमें से कौन सा समूह छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं बोर्ड को देख रहा हूं बच्चों, तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना LHS वाला, ये वाला समूह कैसा है? छोटा है। और मैं राइट हैंड में जो है मेरे RHS में, वो वाला जो भाग है वो बड़ा है। तो मैं ऑक्सीजन को बच्चों किसके साथ संयोजित करूंगा? छोटे समूह के साथ, यानी छोटे समूह के साथ मैं ऑक्सीजन को इस तरह से संयोजित मान लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक, और एक कार्बन को आप कहते हैं मेथ, तो मैंने फिर से मेथ लिख दिया। बच्चों ऑक्सीजन के लिए मैंने अभी आपको IUPAC अनुलग्न उसका बताया, ऑक्सीजन के लिए आप क्या जोड़ देंगे? आप जोड़ देंगे ऑक्सी। इस तरह से दोनों को मिलाकर हम जो शब्द बना लेंगे वो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मिथॉक्सी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो मिथॉक्सी हमने बनाया, इतने भागों को एसोसिएटेड करके हमने मिथॉक्सी बनाया। शेष श्रृंखला पर हम कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे बच्चों, ये हमारी कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो जाएगी जिसमें कार्बन का अंकन करेंगे और ये देखेंगे कि हम इस मिथॉक्सी को न्यूनतम अंक पर रख सकें। तो बच्चों यहां नीचे से काउंट करूंगा 1 2 3, जब मैं दाएं से काउंट करूंगा तो 1 2 3, तो दोनों साइड से आप देखेंगे कि जो मिथॉक्सी का नंबर है वो 2 पर आएगा, ठीक है। तो मिथॉक्सी के सामने सबसे पहले आप क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मिथॉक्सी समूह है ना, ये जिस कार्बन पर एसोसिएटेड है वो कार्बन दूसरे नंबर का कार्बन है, ठीक है। जबकि मुख्य श्रृंखला पर आप देख पा रहे हो कितने कार्बन है, कुल 3 कार्बन है, 1 2 3, और 3 कार्बन को आप बोलेंगे प्रोप, इसलिए ये हो जाएगा 2-methoxy-propane, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने एक और नाम लिया। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके सामने, वो भी देखिए, ठीक है बच्चों। मैंने ले लिया CH3CH2O, फिर मैंने ले लिया कार्बन, इस पर ऊपर की तरफ एक CH3, फिर एक और CH2CH3 और इसके नीचे की तरफ एक और CH3, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा बच्चों उस पर ध्यान दीजिए, सपोज अगर मैं बोल दूं कि इस ऑक्सीजन परमाणु को देखिए, इस ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड में देखिए, तो लेफ्ट हैंड का समूह जो है वो छोटा है, जबकि इसके राइट हैंड में देखिए है ना RHS में, तो इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो ये वाला समूह कैसा है? बड़ा है। मैंने आपको बताया बच्चों कि हम छोटे समूह का चुनाव करेंगे, तो हम इस छोटे समूह को चुन लेंगे और इसके साथ चुनकर बनाएंगे ऑक्सी, ठीक है। तो यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम बोलेंगे एथ, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एथ। ऑक्सीजन के लिए आप क्या जोड़ देते हैं? उसके लिए आप जोड़ देते हैं ऑक्सी। तो बच्चे दोनों को मिलाने से जो शब्द बनता है वो बन जाता है एथॉक्सी। इस तरह से हमने सबसे पहले एथॉक्सी बना लिया, ठीक है बच्चों। फाइनली हम मुख्य श्रृंखला का चयन कर लेंगे। तो बच्चे जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर इस बार 1 2 3 1 2 3 4, तो बच्चों हमारे पास ये 4 कार्बन की जो श्रृंखला होगी ये सबसे लंबी श्रृंखला मानी जाएगी। अब इस बार 1 कार्बन जो है ये हमको पार्श्व श्रृंखला के रूप में भी प्राप्त होगा, ये पार्श्व श्रृंखला भी हमको प्राप्त होगी। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये जो श्रृंखला है ये हमारी मुख्य श्रृंखला है, और मुख्य श्रृंखला के साथ हमको क्या भी मिल रहा बच्चों? हमको पार्श्व श्रृंखला भी मिल रही है। यानी अब यहां पर हम सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिख देंगे। तो पार्श्व श्रृंखला जो है वो किस नंबर पर एसोसिएटेड होगी? चुनाव करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। अगर मैं नीचे से काउंट करूंगा तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो सही जो चुनाव होगा वो नीचे से ऊपर जाता हुआ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 ये वाला 2 ये वाला 3 और ये वाला 4 हो जाएगा। तो पार्श्व श्रृंखला जो है वो किस नंबर पर आ रही है? 2 नंबर पर। तो सबसे पहले आप लिख देंगे 2-methyl। तो बच्चों मैंने लिख दिया 2-methyl, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा वापस आपके सामने डिस्क्रीट कर दे रहा हूं, थोड़ा अच्छे से, ठीक है, फ्रेश दिखना चाहिए आपको। तो एग्जाम्पल है CH3CH2
ओ और मैंने लिया सी एच, नीचे की तरफ मैंने लिया सी एच थ्री, फिर एक और सी एच टू और एक और सी एच थ्री, ठीक है। इस तरह से यहां पर सी है और ठीक यहां पर सी है और इसके ऊपर एक और सी एच थ्री है। तो ये एग्जाम्पल है, हमने सबसे पहले आपको बताया कि इतने समूह को हमने मिलाकर इथॉक्सी शब्द बनाया, तो ये बन गया इथॉक्सी, ठीक है। फिर हमने इस तरह से ये मुख्य श्रृंखला का चुनाव किया, मुख्य श्रृंखला में ये नंबर वन कार्बन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। नंबर टू पर आप देख सकते हैं कि एक मैथिल समूह भी जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने उस मैथिल समूह का नाम लिख दिया बच्चों, वो मैंने लिख दिया टू मैथिल, ठीक है, टू मैथिल। उसी नंबर टू पर हमारा मिथॉक्सी भी जुड़ा हुआ, तो टू इथॉक्सी भी हो जाएगा, मिथॉक्सी नहीं सॉरी इथॉक्सी, तो मैंने इथॉक्सी भी लिख दिया। मुख्य श्रृंखला में कुल चार कार्बन है, इसलिए हम चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने ये आयुपिक नॉर्मल क्रिएचर करने का तरीका भी जाना। बच्चों मैं जल्दी से आज आपको समावयवता के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और हम समझेंगे कि समावयवता क्या होती है, फिर उसको ईथर में लागू करेंगे। तो सबसे पहले समावयवता के बारे में समझिए, समावयवता एक ही अणु सूत्र के दो या दो से अधिक संरचना सूत्र जिनमें कभी क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो या तो कभी एल्किल मूलकों में, एल्किल मूलकों में भिन्नता पाई जाती हो, ठीक है। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझिए, एक ही अणु सूत्र होगा और एक ही अणु सूत्र से हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक संरचना सूत्र प्राप्त करेंगे, और उन संरचना सूत्रों में हम देखेंगे कि उसमें कभी उनके क्रियात्मक समूह भिन्न होंगे तो कभी उनके एल्किल मूलकों में भिन्नता होगी। तो इस प्रकार जो हमको दो या दो से अधिक संरचना सूत्र प्राप्त होंगे ना, इस प्रकार प्राप्त संरचना सूत्रों को हम क्या बोलेंगे बेटा, उनको हम बोलेंगे समावयवी, और ये गुण कहलाएगा क्या बेटा, समावयवता, इसको हम बोलेंगे ये कहलाएगा समावयवता, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ही अणु सूत्र के जब हमारे पास दो या दो से अधिक संरचना सूत्र हमको प्राप्त हों या ज्ञात हों, उन संरचना सूत्रों में कभी उनके क्रियात्मक समूह में पर्याप्त भिन्नता हो या कभी उनके एल्किल मूलक वाले भाग में पर्याप्त भिन्नता हो, तो बच्चे जो हमको संरचना सूत्र प्राप्त होंगे उन संरचना सूत्रों को हम बोलेंगे समावयवी, और समावयवी बनाने के इस गुण को क्या बोलेंगे, समावयवता। चलिए उदाहरण के द्वारा इस डेफिनेशन को हम अंतिम रूप देते हैं, तो एक उदाहरण देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक एग्जांपल पहले ले लेता हूं, मैंने लिया C2H6O, ये मेरे पास एक अणु सूत्र है बच्चों, इस एक अणु सूत्र का प्रयोग करके मैं एक यौगिक लिखता हूं, वो है CH3OCH3, फिर एक दूसरा मैं लिख देता हूं CH3CH2 और OH। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि एक ही अणु सूत्र है मेरे पास, है ना, जिसमें दो कार्बन, छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन शामिल है। तो इस अणु सूत्र से मैंने एक संरचना सूत्र आपके सामने निर्मित किया CH3OCH3, यहां पर आप देख सकते हैं एक और एक दो कार्बन, तीन और तीन छह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यानी जो मेरे अणु सूत्र पर उपलब्ध है वही चीज मैंने संरचना सूत्र में भी लिखा। इसी तरह से एक और एक दो कार्बन, तीन दो पांच और एक छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों ही सूत्रों में यहां पर आप देख सकते हैं पहले वाले में
कि मेरा जो क्रियात्मक समूह है बच्चों वो ऑक्सीजन है, जबकि दूसरे वाले में जो क्रियात्मक समूह है वो OH है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि एक ही अणु सूत्र के जब हमारे पास दो या दो से अधिक ऐसे संरचना सूत्र हो जिनमें कभी क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो तो कभी एल्किल मूलकों में, दोनों में भी एक साथ भिन्नता हो सकती है। तो बच्चों यहां पर फिलहाल में हमने क्रियात्मक समूह में भिन्नता दिखाई हुई है। मैं कुछ और भी एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूं, उदाहरण नंबर दो देखिए, ठीक है। मैं पहले इस बार एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूं, CH3O मैंने ले लिया बच्चों, CH2 और CH3, ठीक है। फिर मैंने ले लिया CH3 CH2O, फिर मैंने ले लिया बच्चों CH2 और CH3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो अणु सूत्र है वो हो जाएगा C4, ठीक है, C4H10O। तो बच्चों इस बार एक ही अणु सूत्र है C4H10O, जबकि उसके दो अलग तरह के संरचना सूत्र आप देख पा रहे हो। दोनों ही संरचना सूत्रों में इस बार आप देख सकते हैं कि इस बार इनके क्रियात्मक समूह जो है वो एक समान है, उनमें मैंने किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं रखी, जबकि केवल एल्किल मूलक वाला जो पार्ट है उसमें पर्याप्त भिन्नता है। मतलब बच्चों ये जो संरचना सूत्र हमको मिलेंगे, इन संरचना सूत्रों को हम बोलेंगे समावैवी, इनको बोलेंगे समावैवी। और बच्चों वही चीज समावैवी बनाने के इस गुण को हम कहेंगे समावयवता। तो बच्चों होप सो आपको समावयवता समझ में आ गया है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, कल आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और मैं इसके आगे इस टॉपिक को कल की क्लास में मीथर को खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।